अमीर मकाम इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों को एयरपोर्ट तक जाने में मुश्किल हुई, लोगों का पूरा कारोबार और रिजक बंद कर दिया गया और इन लोगों की ये बात समझ नहीं आई कि क्या उसे हासिल करना क्या था, क्या एजेंडा था, क्या हासिल करना था और किसके लिए सब कुछ को मफलूज कर दिया गया। तो मैं खासकर बीइंग फ्रॉम केपी और जिस तरह केपी के वसाइल, वो एक गरीब सूबे के वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया, वही तमाम अभी आप सारे रिपोर्ट सामने आ रहा है कि कितनी गाड़ियाँ, कितने हर एक चीज़ तक लेकर क्रेन्स से लेकर निचले लेवल तक सरकारी वही इस्लामाबाद तक लाए गए और कितने मुलाजमीन को पुलिस तक उनको यहाँ लाया गया और उनको थ्रेट किया गया कि आप हमारे साथ नहीं जाते। हर एक डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया, पूरा सूबा मफलूज कर दिया गया, पूरा सूबा बंद कर दिया गया और तमाम लोगों को यहाँ कि आप आ जाए और अपनी सलाहियत यहाँ दिखाए कि आपकी कितनी कैपेसिटी, कितनी सलाहियत है, कितने बंदों को ला सकते हैं, कितने रिसोर्सेज आप दे सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र आगे होगी। अगर किसी ने हिस्सा नहीं दिया तो उनको ये भी थ्रेट कर दिया उन डिपार्टमेंट के हेड को कि आपको फारिग कर दिया जाएगा और ये हुकूमत का नाम निशान तो पहले से भी ये हाल था और ये चंद दिन तो पहले रहा ही नहीं कि कौन चला रहा है और कौन रन कर रहा है। एक तो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत बात, मगर मैं सबसे बड़ी जो मुझे दुख हुई है, मैं भी एक पख्तून हूँ, हमारे पख्तूनों की एक हिस्ट्री है और वही जो चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर कहना भी मुनासिब नहीं है, उसने जिस तरह मैसेज दिया पख्तूनों के बारे, इंतहाई काबिल अफसोस कि इन सारे चीज़ों के जो उसका प्लान था, उसका ये नहीं था जो उसने यहाँ लोगों को लाया, फिर लोगों को अकेले छोड़कर और खुद गायब हो गया और भाग गया। ये मैंने पहली दफ़ा देखे कि जो लीड करता है वो फ्रंट पर होता है फिर वो गायब नहीं हो जाता है। तो क्या मैसेज दिया आपने, वही पख्तूनों के बारे क्या मैसेज दिया कि आपने लोगों को यहाँ लाया, वरगलाया, यहाँ तक ले और फिर उनसे गायब हो गए, पीछे उनको छोड़ दिया। आप तो उनको स्पीच करना था या आपको तकरीर करना था, आपको इमरान खान को वापस लेके जाना था, आपने उन मासूमों को ये बताया था कि आओ इस्लामाबाद पर यलगार के लिए जा रहा है, इमरान को रिहा करके वापस लाएंगे। तो इमरान की रिहाई तो क्या कि आप खुद ही गायब हो गए और फिर आपकी पार्टी ने वाविला शोर शोरों कर दिया कि नहीं वही उसको अरेस्ट किया गया, उसको गायब कर दिया गया और वही फिल्म इस तरह चलती रही पूरी आपकी मीडिया में, सोशल मीडिया में। वफाकी वजीर अमीर मकाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज की आड़ में लोगों के कारोबार, ज़िंदगी मफलूज कर दिए गए।